और चलिए अब एक नजर दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। भरूच में रामशिला पूजन की पहली सभा हुई जहां नरेंद्र भाई और मैंने भाषण दिया। उस भाषण को पूरे गुजरात में फैलाने के लिए नरेंद्र भाई ने योजना तैयार की और रामशिला का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया। ये कहना है साध्वी रितंभरा का। The Untold Stories of मोदी में ऐसी है कनसुनी कहानी साध्वी रितंभरा की जुबानी। भरूच में रामशिला पूजन की पहली सभा हुई जिसमें आदरणीय नरेंद्र भाई का भाषण हुआ और फिर मेरा भाषण और उनका भाषण, ये बहुत बड़ी संख्या में इसकी रिकॉर्डिंग करके ये पूरे गुजरात के अंदर एक वातावरण बनाया गया था। लेकिन ये संदेश पूरे गुजरात में कैसे जाए, उसके लिए नरेंद्र भाई ने जो योजना बनाई वो बड़ी कमाल की थी, क्योंकि साधन तो उस समय नहीं होते थे, सूचना का तंत्र इतना ज़्यादा नहीं था, प्रिंट मीडिया था, और बाकी सबसे बड़ी बात है कि संगठन के पास साधन ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से जिस दिशा में जो ट्रेन जाएगी तो सारे कार्यकर्ता उस ट्रेन में जो है अलग अलग दिशाओं की गाड़ियों में सवार हो जाएंगे और वहाँ जितने भी यात्री हैं या जहाँ वो ट्रेन पहुँचेगी वहाँ तक ये रामशिला का संदेश देना है और राम जन्मभूमि के आंदोलन का संदेश देना है। तो मैंने देखा कि नरेंद्र भाई जो सब लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है। तो ये भगवान ने, भगवती सरस्वती ने उनको ये आशीर्वाद दे रखा है। उनकी एक ही चिंता थी कि सज्जन शक्तियों को संगठित होना चाहिए, उनकी एक ही चिंता थी कि जातियों की दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए, उनकी एक ही चिंता और चिंतन था कि राम जो है वो एक ऐसा सूत्र है उनका नाम जिससे पूरे भारत को आबद्ध किया जा सकता है। जिस तरह गुजरात के जन जन के मन में ये स्थापित कर दिया था कि ये राम जी की प्रतिष्ठा यानी भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, उस प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आनी चाहिए, तो राम जन्मभूमि का आंदोलन सफल हो इसकी गारंटी गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी थी।